स्वागत एक बार फिर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे हीरो आईएसएल सीजन 6 का मैच नंबर 67 एफसी गोवा बनाम केरला ब्लास्टर्स। घर पे खेलती हुई एफसी गोवा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में काउंटर हो चुका है शुरू किक ऑफ के लिए। रेफरी अजीत कुमार मेहता की किक ऑफ विसल और एफसी गोवा ने शुरुआत की है इस पहले हाफ की। अटैक करेगी होम टीम राइट ऑरेंज में खेलती हुई बाएं से दाएं अटैक करते हुए ह्यूगो बूमो के पास बॉल पास निकालने की कोशिश ब्रेंडन के लिए शॉट शुरुआती क्षणों के अंदर ही लेकिन टारगेट पे नहीं। कमेंट्री बॉक्स में मैं रमन भनोट स्वागत एक बार फिर समीप राजगुरु का शुक्रिया और एक बार फिर सारे फैंस का दर्शकों का स्वागत है। इस मुकाबले में हम उम्मीद कर रहे हैं कि गोलों की बरसात देखने को मिलेगी क्योंकि जैसा कि कोरो जिस टीम में होते हैं जिसको हम प्यार से स्कोरो कहते हैं वो हो बुमू हो चाहू जैसा मिडफील्डर हो तो क्या हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच लेनी ने एक स्नैपशॉट लेने की कोशिश की टारगेट पे नहीं रखा पर लेनी के लिए तो पिछले कुछ दिन बड़ी खुशी के दिन रहे सभी वाह वाह खुशी उनके लिए पर बिल्कुल खुशी के दिन है और उस खुशी को वो मैदान में परफॉर्मेंस दिखाकर भी दिखाना चाहेंगे। रोबेरा टीम के कोच बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड है केरला ब्लास्टर्स के खिलाफ तीन खिलाड़ियों का नाम लिए मैंने एफसी गोवा के लेकिन ओपेजे और मेसी बाउली भी है खतरनाक। कॉर्नर मिला शुरुआती क्षणों के अंदर ही लेकिन उसको बुना नहीं पाई एफसी गोवा। बड़ा प्यार है मुझे एफसी गोवा से क्योंकि जीको ने इसके इस टीम को बनाई और पहले कोच थे। शुरुआती सीजन में फिलहाल रन बनाते हुए फ्लैग के ऊपर राके क्रॉस डालने की कोशिश थी लेकिन बहुत ज्यादा डीप डाला हुआ ये क्रॉस ज्यादा प्रभाव इस पर डाला नहीं और ज्यादा प्रेशर डाला नहीं मोहम्मद आवाज के ऊपर जो गोल में है एफसी गोवा के लिए। ज्यादा असर एक बार फिर बेहतरीन क्रॉस ये राकिब का ओ कैसे चूक गए
नीचे राकिब के ऊपर जितनी आप तारीफ डाल दें उतनी कम। क्या ओवरलैपिंग रन और उतना ही बेहतरीन यहां पर ये हेडर देखिए उपेचे का। यहां पे कोरो के पास चांस, वो फर्स्ट टच पे ऐसा लगा पहले सोच थी कि बॉल को कंट्रोल कर दे फिर टू पोक के लिए गए कोरो। बहुत ही बेहतरीन मौका था और कोरो जैसे खिलाड़ी को ऐसा मौका मिले तो वो छोड़ते नहीं है। इस बार कॉर्नर जरूर मिला है। एक और एफसी गोवा के नाम ब्रेंडन, सर्वाधिक असिस्ट उनके नाम है, 5 असिस्ट किए इस बार। कॉर्नर लिया, हेडर जरूर था, मुर्तजा बॉल को ऑफ द लाइन क्लियरेंस केरला ब्लास्टर्स की तरफ से आती हुई, इससे ज्यादा करीब शायद ही गोवा आई है आज मैच में। ओह, जहां ऑफसाइड कॉल नहीं किया गया, याद रखिए एक बार तो गोल दागा लेकिन ऑफसाइड था। यहां पे तो मुर्तजा फॉल का जबरदस्त हेडर, मुझे ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है गोल यहां पर ऑरेंज ब्रिगेड के लिए। लगातार बेहतरीन अटैक पे अटैक बना रही है। हुगो बुमोस के खिलाफ ऑफसाइड नहीं, ब्रेंडन सपोर्ट में मौजूद, बुमो पासिंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, जैकी चंद भी मौजूद, पास निकाला है अब सेरेटन की चिप बॉल, फाउल मांग रहे हैं कोरो, रेफरी का कोई संकेत नहीं। कोरो पे चैलेंज किया मैसिडोनिया का 33 नंबर का खिलाड़ी, गेंद छोड़ दी, गेंद से खेलना है कोरो से नहीं, लेकिन कोरो पर आप देखें मुस्तफा भी इसी तरीके से लगे रहते हैं और बाकी खिलाड़ी। पीछे फिलहाल तो तेज तरह रन आया है बाय फ्रैंक से, क्रॉस भी और गोल भी, ह्यूगो बुमो के नाम गोल, और एफसी गोवा ने आखिरकार डिफेंस को देखे, दोपहर ऑफ कहीं आसपास नहीं थे गेंद के, कोई मौका नहीं था डिफेंस के पास कि भूमि को रोक सकते हैं। और हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि एफसी गोवा का गोल ज्यादा दूर नहीं है चंद मिनटों पहले, क्योंकि लगातार ये सकारात्मक सोच, ये अटैक पे अटैक जो दिख रहा था, ऐसे में आप ज्यादा देर रोक नहीं सकते हैं सामने वाले टीम को गोल करने से। काउंटर करने निकले हैं अब ब्लास्टर्स के खिलाड़ी, मेसी बाउली, बाउली का क्रॉस, मुर्तजा फॉल की क्लियरेंस, गोल स्कोरर की कॉन्फर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आती हुई, ह्यूगो बुमो के नाम गोल। पास कितना सटीक था, सरदार राव देसाई का कप्तान एफसी गोवा की टीम के। फिलहाल एक और रन अब कोरो का, 4-3 है, थोड़ा सा ज्यादा होल्ड कर गए बॉल को, शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे पास निकालते जैकी चंद की तरफ। एरियल बॉल पंच आउट किया मोहम्मद नवाज ने, बार ये कह रहा हूं एरियल बॉल से टेस्ट करेंगे मोहम्मद नवाज को, पर यहां पे असिस्टेंट रेफरी ऑफसाइड करार देते हुए मेसी बाउली को, जी हां ड्रिफ्ट कर गए बैकलाइन के पीछे। अगर 2-0 कर दे एफसी गोवा तो ये सोच सकते हैं कि आ गया मजा और ये मैच अब हमारा हो सकता है, तो ढोल नगाड़े जो आपको स्टैंड में सुनाई दे रहे हैं उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। पाउली के खिलाफ ये विसल बजे क्योंकि हाई बूट टीम किया है उनके खिलाफ। ये खिलाड़ी लगातार मुस्तफा कोरो के साथ चिपके हुए हैं, जल्दी से ली हुई फ्री किक ताकि थोड़ा एडवांटेज मिल जाए स्पीडी रीस्टार्ट का। वो होल्डिंग प्ले दिखाया क्योंकि सपोर्ट में कोई और खिलाड़ी था नहीं। अब मंदार, फर्स्ट टाइम क्रॉस मंदार का, फ्लिक्ड ऑन बॉल कोरो के लिए, क्या चांस है कोरो, क्रॉस उनका और गोल लीजिए, जैकी चंद सिंह ने स्कोर कर दिया है इस सीजन अपना पहला गोल एफसी गोवा के लिए, और एफसी गोवा अब 2-0
फैन से, भाई क्या कर रहे हो? 40वें मिनट में मैंने कहा था रमन कि क्या दूसरे गोल के साथ एफसी को आज टगआउट में जाएगी पहले हाफ में, और कुछ चांद जो कह रहा हूँ वो सच हो रहा है। लाजवाब गोल था ये 46वें मिनट में, जैकी चंद का गोल, पहला गोल आयसन सीजन 6 का। देखिए कैसे मूव बन रहा, और कोई यहाँ पर डिफेंस में कोरो को चेक करता हुआ नहीं था, मुस्तफा लगातार वो चिपके रहते थे, लेकिन इस वक्त कोरो को चेक करने वाला कोई नहीं था, कोरो अंदर जा सकते थे, लेकिन कोरो का पास देखिए यहाँ पर बेहतरीन पास, और उसको सिर्फ टच किया, दिशा दी है यहाँ पर, और जाके फार पोस्ट के कॉर्नर में जाके जाल में टक गई ये गेंद। 2-0 की बढ़त 46वें मिनट में, यहां से वापसी करना केरला ब्लास्टर्स के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होगी। एक मुश्किल हाइट पर बॉल आई थी, तो सर यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी जैकी चंद की, इस तरह से उन्होंने फिनिश किया बॉल को। केरला ब्लास्टर्स एक गोल वापस खींचना चाहेगी, लेकिन क्या मौका मिलेगा इस बार तो नहीं। सिंह के द्वारा दागे हुए गोल्स बने हुए फासला इन दोनों टीम्स के बीच, एफसी गोवा 2 केरला ब्लास्टर्स 0। जुड़े रहिए अपने फेवरेट क्रिकेटर्स की ऑफ द फील्ड मस्ती के साथ, देखिए क्रिकेट कनेक्टेड हर शनिवार और रविवार शाम 7 और रात 9 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Let me tell you about cricket. It's not just the poster on your wall. Cricket is the fingers you break, the sacrifices you make. This is the game we play. It's what we do. 100% cricket. फिर से होगी लाइन क्रॉस, टूटते दिखेंगे फिर वही रिकॉर्ड, फिर होगी डुबकी बिंदास, होकर कोई हवा पे सवार, तोड़ेगा ओपोनेंट के सारे वार। जीलो कबड्डी फिर से, देखो वीवो प्रो कबड्डी के सुपर रेडर्स की अब तक की टॉप परफॉर्मेंसेस। सुपर रेडर्स वीक में 10 से 16 मई हर सुबह 10:30 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इससे टफ कुछ नहीं। आपका दोस्त स्टार टीवी नेटवर्क। जिंदगी का हर एक अंदाज मैंने दिखाया है आपको, कभी खुशियों की चमक, कभी आंसुओं का नमक, कभी सुपरहिट हॉलीवुड, कभी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड, कभी स्पोर्ट्स के सितारे, कभी कार्टून्स प्यारे प्यारे, तो मनोरंजन का सिलसिला जारी रखिए और घर बैठे बैठे टीवी का बिल ऑनलाइन भरिए। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। Let me tell you about cricket. It's not just the poster on your wall, the lucky charm around your neck. Cricket is the fingers you break, the sacrifices you make. It's the thousands of balls bowled. It's the leather against willow. It's the bales that fall and the legends that build. It's the crack of the ball. Winner takes all. This is the game we play. It's what we do. 100% cricket. ऑस्ट्रेलिया को हराने का मजा ही कुछ और है। देखिए हमारी ऑसम विन ओनली ऑन स्टार स्पोर्ट्स। देखिए ऑसीज के खिलाफ टीम इंडिया की यादगार विक्ट्री, इंडियाज ऑसम विन 3-15 में सुबह 11 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। मैच के हो गए शुरू, केरला ब्लास्टर्स ब्लैक एंड येलो के अंदर खेलते हुए अटैक कर रहे हैं, लेफ्ट राइट यानी बाएं से दाएं, और शुरुआती मिनट्स में एक क्रॉस डालने की कोशिश, इसमें नाकामयाब। इस समय सत्यसेन सिंह कमेंट्री बॉक्स में, मैं हूं रमन बनोट, मेरे साथ समीप राजगुरु। दो गोल ढूंढे कहीं से, बड़ा मजा आ रहा है इस मैच में, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स के पास भी खतरनाक खिलाड़ियों की कमी नहीं है, ऑफ है मेसी बाउली है, लेकिन 0-2 से पिछड़ने के बाद क्या ये तीसरा
गोल भी खा सकती थी केरला ब्लास्टर्स। और शुरुआती पल जो है केरला ब्लास्टर्स के लिए बहुत अहम है रमन, क्योंकि दो गोल पहले आपको काटने हैं और वो आसान काम नहीं है। दो गोल काटने की तो छोड़िए, यहाँ पे तो तीसरा बचाने की जरूरत पड़ी, जिनके नाम इस सीजन 5 असिस्ट हैं वो गए हैं कॉर्नर लेने के लिए। वापस पे बॉल क्लियरेंस सीरो के द्वारा, बॉली लगा पाना, क्या बॉली है ये, इस सीजन में सबसे संतुलित टीमों में से अगर कोई है तो एफसी गोवा शायद उनमें शुमार होती है। बिल्कुल, नेवर टॉप करने की जो आपने बात करी वो एक बहुत बड़ा ड्रॉ है सब टीम्स के लिए स्टेज में। पर यहां पे चांस है, मेसी बॉली, और मेसी बॉली ने दाग दिया है गोल, शॉट, ओ आईएसएल
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं सहल अब्दुल समद। पास निकाला ओकेचे ने और अब यहाँ पे स्किल देखिए सहल अब्दुल समद की, बेहतरीन आउटसाइड ऑफ द फुट से। सहल जो है बड़ा आकर्षक खिलाड़ी है, बड़ा फ्लैम्बोयंट जब खेलता है तो ऐसा लगता है कि क्या देखते हुए मजा आता है, कीट फॉर द आई कहते हैं ना, सहल में वो चीज दिखाई देती है। सिल्कन टच है बॉल पे, जब भारत के लिए भी खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कंफर्टेबल है जब बॉल उनके चेहरे पे हो। रिंडन और सीडो के बीच गेम आ गया, अभी यहां पे फोर्थ ऑफिशियल क्या हिदायत देंगे रेफरी को, क्योंकि रेफरी की नजरें दोनों खिलाड़ियों पे नहीं थी। यहां पर दोनों को येलो कार्ड दिखाया जाएगा, दोनों को वार्न किया जाएगा, बहुत अच्छा फैसला है रेफरी का। जीडो को शांत करने का और कोई तरीका नहीं था। रेंडर तो सस्पेंशन के बाद वापस लौटे, लीजिए आज येलो कार्ड उनके नाम हो गया, तो दूसरा राउंड शुरू हो गया उनका और एक येलो कार्ड सीडो के नाम भी। सिडोंचा जो मारियो आर्केस की जगह आज टीम में शामिल किए गए के नाम भी बुकिंग, लीजिए कॉन्फर्मेशन आपकी स्क्रीन पर। चाहू नंबर्स आगे कमिट कर रही है एफसी गोवा गोल के लिए, चांस है बुमा, गोल मिलेगा, क्या बात, ह्यूगो बुमा दूसरा गोल इस मैच में इनके नाम, सीजन का छठा गोल। और क्या सर्जियो लोबेरा की टीम घर पे एक बार फिर जीत दर्ज करेगी ब्लास्टर्स के खिलाफ। ये स्वैग वाला खिलाड़ी बुमा हारी है केरला ब्लास्ट।
ब्लास्टर्स से वो हार आई है आज से सवा तीन साल पहले। जीत के लिए अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा ब्लास्टर्स को, क्योंकि इस सीजन अब नहीं हरा सकते क्योंकि दोनों बार खेल लिया है गोवा को। स्कोर लाइन बता रहा है